उत्तर प्रदेश में कोरोना के अब 15 मरीज, नोएडा में 2 और संक्रमित मिले, आइसोलेशन में रखा गया, कॉलेज अब 2 अप्रैल तक बंद। भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 147 हुई, इनमें 22 विदेशी नागरिक, कोरोना वायरस के 14 मरीज हुए ठीक। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी के G20 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के प्रस्ताव को सऊदी अरब ने स्वीकार किया, अगले हफ्ते होगी G20 देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 42 मरीज, पूरे राज्य में सभी मंदिर बंद, मुंबई में सड़क पर थूकने पर बीएमसी लगाएगा 1,000 रुपये का जुर्माना। सेना में कोरोना का पहला मामला आया सामने, लेह में रहने वाले सैनिक को हुआ कोरोना, पिता के साथ ईरान से तीर्थ यात्रा कर लौटा है सेना का पीड़ित जवान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली एयरपोर्ट के यात्रियों के कोरोना जांच का लिया जायजा, यात्रियों को दी जा रही सेवा और सुविधाओं का किया मुआयना। सऊदी अरब से लौटे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने भी खुद को किया क्वारंटाइन, जांच में सुरेश प्रभु का कोरोना का सैंपल आया नेगेटिव। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोरोना के कारण सभी प्रदेश इकाइयों को प्रदर्शन नहीं करने का सर्कुलर भेजा, नड्डा ने कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने का दिया आदेश। लखनऊ के KGMU में कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव, यूपी में अब तक 16 लोगों में वायरस की पुष्टि, 182 लोगों में पाए गए कोरोना जैसे लक्षण। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के अस्पताल में कोरोना की संदिग्ध मरीज भर्ती, हाल ही में स्विट्जरलैंड से लौटी है कोरोना की संदिग्ध मरीज। बिहार के छपरा में कोरोना वायरस का संदिग्ध मरीज अस्पताल में भर्ती, दिल्ली में तबीयत खराब होने के बाद आया है गांव, सदर अस्पताल में इलाज। कोरोना को जम्मू कश्मीर में फैलने से रोकने के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम, जम्मू कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के एंट्री पर लगी रोक। केरल के तिरुवनंतपुरम में पुलिसकर्मियों ने लोक गीत पर डांस कर कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक, पुलिसकर्मियों ने लोगों को हाथ धोने का तरीका बताया। बेंगलुरु पुलिस ने दिग्विजय सिंह को हिरासत में लिया, बागी विधायकों के मिलने से इनकार के बाद धरने पर बैठे थे दिग्विजय। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट जज अरुण मिश्रा की टिप्पणी, कहा सिर्फ सरकार पर मामला नहीं छोड़ सकते, सबको कोशिश करनी होगी। बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने कोरोना के डर से खुद को घर में किया क्वारंटाइन, हाल ही में लंदन से फिल्म की शूटिंग कर लौटी हैं मिमी चक्रवर्ती। कोरोना के कारण शिरडी में साईं मंदिर के बंद होने के बाद चारों तरफ पसरा सन्नाटा, शिरडी में सभी दुकानें और होटल पूरी तरह बंद। कोरोना के कारण पटना के PNM मॉल को किया गया बंद, भीड़ को देखते हुए 31 मार्च तक मॉल को किया गया बंद। कोरोना के कारण पूरी दुनिया में पर्यटन का कारोबार हुआ ठप, गुजरात के वडोदरा में भी पर्यटकों का आना हुआ बंद, लाखों लोगों की छीनी नौकरियां। कोरोना वायरस के कारण पोल्ट्री कारोबार हुआ ठप, महाराष्ट्र सरकार ने नॉनवेज खाने के कारण कोरोना होने का भ्रम फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी। पाकिस्तान में दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या 230 के पार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने BS4 गाड़ियों की बिक्री की डेडलाइन आगे बढ़ाने के लिए ऑटोमोबाइल कंपनियों की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई से किया इनकार, BS4 वाहन बेचने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। जम्मू कश्मीर के पूर्व CM उमर अब्दुल्ला को हिरासत में रखने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उमर अब्दुल्ला की बहन सारा पायलट ने हिरासत को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। जम्मू कश्मीर में पुंछ जिले के शाहपुर और किरणी सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारतीय सेना पाकिस्तान को दे रही है मुंहतोड़ जवाब। भीमा कोरेगांव केस की जांच के लिए बनाए गए आयोग ने NCP अध्यक्ष शरद पवार को किया तलब, आयोग ने 4 अप्रैल को पेश होने का दिया आदेश। निर्भया के दोषी मुकेश की हाईकोर्ट में नई अर्जी, ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी चुनौती, कहा वारदात के वक्त दिल्ली में नहीं था मौजूद। दिल्ली दंगों के पाकिस्तान कनेक्शन पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से भड़काई गई हिंसा, पाकिस्तान में एक्टिव अकाउंट से कराए गए भड़काऊ ट्वीट्स। दिल्ली दंगों पर सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट, 1,000 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान, ज्यादातर अकाउंट पाकिस्तान से हो रहे थे ऑपरेट। निर्भया केस में दोषियों की फांसी से पहले आज सुबह तिहाड़ जिले में पवन जल्लाद ने डमी फांसी की प्रैक्टिस की, निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे दी जानी है फांसी। फांसी से बचने के लिए निर्भया केस के 2 दोषियों का नया पैंतरा, पवन ने दूसरी क्यूरेटिव पिटीशन और अक्षय ने दूसरी दया याचिका दी, 20 मार्च को होनी है दोषियों को फांसी।
एमपी के सीएम कमलनाथ का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। 16 विधायकों को वापस लाने से क्यों कतरा रही है बीजेपी, जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस के बागी विधायकों ने किसी भी कांग्रेस नेता से मिलने से किया इनकार, बागी विधायकों ने कर्नाटक के डीजीपी से मांगी सुरक्षा। अल्पमत में होने के बाद भी मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ ने की कैबिनेट की बैठक, मैहर, नागदा और चाचौड़ा को कमलनाथ कैबिनेट ने दी जिला बनाने की मंजूरी। कमलनाथ कैबिनेट ने मारफेड और नागरिक आपूर्ति निगम के लिए 26,000 करोड़ रुपए की दी मंजूरी, अदालतों में सीसीटीवी के लिए 40 करोड़ रुपए की दी मंजूरी। भोपाल में राज्यपाल से मिले कांग्रेस के विधायक, राजभवन के बाहर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। शराब की कालाबाजारी पर लगाम लगाने की तैयारी में छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, ज्यादा कीमत पर बेचने वालों पर लगेगा 10,000 का जुर्माना, जेल भेजने का भी प्रावधान, विधानसभा में कानून बनाकर 1 अप्रैल से लागू करने की तैयारी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का 3 साल का रिपोर्ट कार्ड किया पेश, कहा चुनौतियों को अवसर में बदला, कानून व्यवस्था और बेहतर हुई। सीएम योगी ने यूपी को विकास की राह पर ले जाने का किया दावा, सड़क, एयरपोर्ट और बेहतर कानून व्यवस्था का दिया उदाहरण। सीएम योगी ने दिल्ली से मेरठ तक जल्द ही रैपिड रेल की शुरुआत करने का आश्वासन दिया। योगी ने कहा यूपी में 7 एयरपोर्ट से आवाजाही शुरू, 11 एयरपोर्ट को विकसित करने का काम तेजी से चल रहा है। सीएम योगी ने यूपी में 14 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का किया ऐलान, 3 साल में योगी ने 30 लाख गरीबों को घर और 2 करोड़ 61 लाख परिवारों को शौचालय की सुविधा देने का किया दावा। सीएम योगी ने कहा इन्वेस्टर्स समिट के जरिए निवेश और रोजगार बढ़ाए, 35 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को 3 साल में 92,500 करोड़ का भुगतान किया, सीएम योगी ने पिछले 3 साल में एक भी चीनी मिल बंद नहीं होने के साथ नई चीनी मिल खोले जाने की बात कही। यूपी के बहराइच में पत्नी के सामने दबंगों ने पति की गोली मारकर हत्या की, पुरानी राजनीतिक रंजिश में हत्या का आरोप, पुलिस ने 3 को किया गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। यूपी के अलीगढ़ में आतंकवादी हाफिज सईद के फतवे बांटने के मामले में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज, पर्चे में लिखी हुई हैं देश विरोधी बातें, जुम्मे के दिन मस्जिदों में पर्चे पढ़ाए जाने की बात भी सामने आई। झारखंड के चाईबासा कांड को लेकर बीजेपी का विधानसभा परिसर में प्रदर्शन, हेमंत सरकार से NIA जांच की मांग। केंद्र सरकार के कामकाज पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने उठाए सवाल, कहा सरकार की संवेदनहीनता पर रोता है दिल, अनुभवी लोगों की अनदेखी का आरोप। बिहार के सहरसा में 2 बाइकों के बीच आमने सामने की टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 5 गंभीर रूप से घायल। राजस्थान के अजमेर में कार और डंपर के बीच भिड़ंत, हादसे में 5 लोगों की मौत, कई लोग हुए घायल। हरियाणा में हथनी कुंड बैराज से ऊपर बनाया जाएगा डैम, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया साइट का दौरा, रिजर्वायर की बढ़ाई जाएगी क्षमता। हिमाचल प्रदेश में राज्य कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का गठन, 19 उपाध्यक्षों 19 महासचिवों समेत कई पदाधिकारियों का हुआ ऐलान। कर्नाटक के बेंगलुरु में पुलिस ने सरकारी आदेश के बाद मॉल और दुकानों को बंद करने को कहा, लोगों ने की जरूरी सामानों की खरीदारी। कर्नाटक के हुबली में बाजार और व्यापारी प्रतिष्ठान बंद, कोरोना के प्रकोप ने बंद कराए बाजार। तमिलनाडु के चेन्नई में मॉल्स, दुकानें, थिएटर, बार सब बंद, कोरोना वायरस से बचने के लिए फैसला। तमिलनाडु के चेन्नई में CAA, NRC, NPR के विरोध में प्रदर्शन को कुछ दिन के लिए किया गया स्थगित, कोरोना वायरस से बचने के लिए फैसला। आंध्र प्रदेश में TDP चीफ और पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश ने TDP कार्यालय में स्थापित की थर्मल स्कैनिंग, 100 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर ऑफिस में न घुसने के निर्देश। कर्नाटक के बेंगलुरु में जनता दल S नेता और MLC पुतन्ना भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने अपने घर पर उन्हें शामिल कराया। तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में की गैंगरेप के बाद एक महिला की पत्थरों से पीट पीट कर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी।